छोटे बच्चों को जब भी हम कुछ सिखाते हैं तो अगर एक प्रॉपर तरीके से हम उसे सिखाएं तो बहुत ही आसानी से बच्चे सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्टेप शेयर करूंगी जिसके थ्रू अगर आप अपने बच्चों को एडिशन सिखाएंगे तो बहुत आसानी से बच्चा एडिशन सीख भी जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट येट। स्टेप नंबर वन, मेक श्योर कि एडिशन सिखाने के पहले आपने अपने बच्चे को 1 to 10 या फिर 1 to 20 तक की काउंटिंग सिखा दी है। अगर आपके बच्चे को आपने 10 तक की काउंटिंग सिखाई है और उसको कोई सम दे रहे हो जिसमें कि 6 + 5 है फॉर एग्जांपल, और उसका सम आ रहा है 11, तो बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको 11 का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। इसीलिए जो भी आप सम दें उतना ही दें जितने तक की काउंटिंग आपके बच्चे को अच्छे से आती है। नंबर टू, पिक्चोरियल एग्जाम्पल से बच्चे को एडिशन सिखाना शुरू करें, जैसे कि एक फ्लावर और एक फ्लावर मिलके 2 फ्लावर बनता है। इस तरीके से किसी भी चीज़ को अगर आप पिक्चोरियल एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को सिखाते हो तो बच्चे जल्दी भी सीखते हैं और वो भूलते भी नहीं है उस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले पिक्चर टू पिक्चर, और नंबर थ्री स्टेप है जैसे कि 2 कैंडल हम बनाएंगे, 1 candle + 1 candle = 2, तो वहां पे हम नंबर में लिखेंगे 1 या 2 जो भी है। नंबर फोर स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, बच्चे को जैसे 3 + 4, 5 + 6 या फिर 2 + 6 इस तरह से देते हैं सम करने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि 1 by 1 सम करना सिखाइए। जैसे ऊपर के डिजिट को आप चेंज करते जाएं लेकिन नीचे की जो डिजिट है वो सेम ही रहेगी। आप यहाँ पे देख रहे हो 1 + 1, 2 + 1 इस तरह से 3 + 1, 4 + 1। साथ ही जब आप बच्चे को सम करने के लिए दे रहे हो तो उसके बगल में थोड़ा सा रफ वर्क करने के लिए जगह ज़रूर छोड़ें, जिसमें कि बच्चे को लाइन खींच के उसको ऐड करने के लिए सिखाएं। इससे बच्चा गलती नहीं करेगा, एग्जाम में भी सही से सम को सॉल्व करके आएगा। और इस तरह से जब आप बच्चे को सम करना सिखाएंगे तो जब आप बच्चे को फिर सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे तो उस वक्त बहुत आसानी होगी सिखाने के लिए, क्योंकि लाइन खींच के उसको ऐड करना है सम में, और सब्सट्रैक्शन में फिर बच्चे को लाइन खींच के उसको कट करना है, तो दैट विल बिकम मोर इजियर फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद फिर उसी तरह से 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2, फिर 3 + 3, 4 + 3 इस तरह से सीक्वेंस वाइज सिखाएंगे तो कई बार बच्चे उस बच्चों को वो डिजिट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो याद भी हो जाते हैं धीरे धीरे, जो कि उनको आगे चल के बहुत काम आता है। इस तरह से आप बच्चे को सम्स को याद भी करवा सकते हो। जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो उस वक्त भी बहुत सारे स्क्वायर और रूट्स और फार्मूला तो हम याद ही करते थे ना। बहुत सारे छोटे बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने वाले जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इस तरह से टेबल बना के बच्चों को याद भी करा देते हैं, जैसे 1 + 1 कितना होगा 2, कहीं से भी रैंडमली पूछते हैं 8 + 1 = 9। तो इस तरह से 1-2 शीट बना लीजिए और बच्चे से खेल खेल में 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो इस तरह से जब आप पूछोगे तो बच्चे को वो चीज़ें याद हो जाएंगी, और जब आप उसको सम करने बिठाओगे तो बहुत सारी चीज़ें वो वैसे ही सॉल्व कर देगा। एक चीज़ और, जब बच्चे को थोड़ा सा एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे उसके बाद बच्चे को 0 ऐड करना सिखाएं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, राइट? तो बच्चे को उसे समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।